वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ दिस लोकैलिटी दैट प्रोजेक्ट। मैं नेहा नागपाल और आज मैं फिर ले आई हूँ आपके लिए एक नई लोकैलिटी, पर आज मैं आपको लेके चल रही हूँ पुणे में और मैं इस लोकैलिटी का रिव्यू करूँगी जिसका नाम है वाकड़। वाकड़ जो कि वेस्टर्न सबर्ब में लोकेटेड है और PMC एरिया के अंदर आता है। आज से 10 या 15 साल पहले ये लोकैलिटी एक विलेज हुआ करता था जहाँ पे लोग प्याज और गन्ने उगाते थे, बट टुडे दिस लोकैलिटी हैज बीन गिवन अ फेसलिफ्ट एंड इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एरिया इन पुणे एंड ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सर्च लोकैलिटीज ऑन मैजिक ब्रिक्स। तो क्या बनाता है इस लोकैलिटी को खास और क्यों है ये लोकैलिटी फेमस और इस लोकैलिटी में क्या है रियल एस्टेट बायर के लिए, चलिए देखते हैं। वाकड़ एक ऐसी लोकैलिटी है जो कि सेंट्रली लोकेटेड है एंड इट बोस्ट अबाउट वाइड रोड्स, अंडरपासेस एंड फ्लाईओवर्स। दिस लोकैलिटी इज जस्ट अबाउट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम द IT डेस्टिनेशन कॉल्ड हिंजेवाड़ी। और यही नहीं, मुंबई बैंगलोर हाईवे भी वाकड़ के थ्रू ही पास होता है एंड दैट इज वॉट मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया एंड सबर्ब ऑफ द सिटी। दिस एक्सप्रेस वे इज द एडेड बोनस फॉर द मुंबईकर्स एंड पुणेकर्स हु ट्रैवल टू मुंबई फ्रीक्वेंटली। वाकड़ इज सराउंडेड बाय मेजर ट्रांजिट रूट्स एंड इज वन ऑफ द एक्सेस पॉइंट टू डांगे चौक रोड विच इज नाउ कॉल्ड अ वाकड़ रोड। वाकड़ रोड जो है वो ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक है। अलोंग द वे इट क्रॉसेस द मुंबई पुणे बैंगलोर हाईवे एट भूमकोट चौक। शिवाजी नगर विच इज नोन टू बी हार्ट ऑफ पुणे इज अबाउट 13 किलोमीटर एंड अबाउट 20 मिनट्स अवे। इस एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी अच्छा है। अगर हम बसेस और बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ पे विप्रो चौक बस स्टैंड और दिसले बस्ती सबसे नजदीकी बस स्टैंड है जो कि 4 किलोमीटर और 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लोकैलिटी से 21 किलोमीटर और 50 मिनट की दूरी पर है। द 23.3 किलोमीटर प्लान मेट्रो लाइन 3 जो हिंजेवाड़ी फेज 3 से सिविल कोर्ट तक जाएगी वो इस लोकैलिटी से ही पास होगी और इस लोकैलिटी की कनेक्टिविटी को और भी बेहतर कर देगी। वाकड़ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लोकैलिटी पुणे की फाइनेस्ट लोकैलिटीज जैसे कि औंध और बानेर उस लोकैलिटी से घिरी हुई है। इसके आसपास है IT हब्स जैसे कि नैनो स्पेस, टीथ टेक्नो स्पेस, प्रभावी टेक पार्क एंड हाई स्ट्रीट। वाकड़ को हिंजेवाड़ी IT पार्क का गेटवे कहेंगे तो गलत नहीं होगा। पिंपरी चिंचवाद इंडस्ट्रियल बेल्ट भी यहाँ से 10 किलोमीटर और 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। वाकड़ ऑल्सो हैज अ गुड एक्सेसिबिलिटी टू चाकन, तालेगांव MIDC जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर के करीब दूर है। इन बेल्ट पे आपको काफी सारे ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग हब्स मिल जाएंगे। नॉट ओनली दिस, द एरिया ऑल्सो हैज नंबर ऑफ होटल्स। यहाँ पे 7 से 8 किलोमीटर के अंदर आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल मिलाकर आपको 9 हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। और स्कूल्स की बात करें तो विजडम स्कूल और यूरो स्कूल को मिलाकर 8 से 9 स्कूल्स मिलेंगे। द लोकैलिटी ऑल्सो हैज वेरियस कॉलेजेस लाइक इंदिरा कॉलेज। द प्रेस्टिजियस IIIT इज लोकेटेड जस्ट आउटसाइड वाकड़ ऑफ द हिंजेवाड़ी रोड। वाकड़ ऑल्सो एंजॉयज वेरियस मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज विद इन 5 to 6 किलोमीटर। देर आर 2 मेजर स्टेडियम नियर बाय वाकड़। औंध और बानेर जैसी लोकैलिटीज वाकड़ के आस पास है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज काफी एक्सपेंसिव हैं और मिडिल इनकम हाउसहोल्ड के रीच से बाहर जा चुकी हैं। एज अ रिजल्ट एक्सटेंशन टू औंध एंड बानेर वर 2 localities डेवलप्ड एंड दोज वर कॉल्ड पिंपल सौदागर एंड वाकड़। व्हाइल पिंपल सौदागर रिटेन इट्स फॉरेस्टेड ऑरा, वाकड़ हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डेवलप्ड टाउन एंड थैंक्स टू द सिविक एफर्ट्स ऑफ PMC। यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 BHK की ऑप्शंस मिल जाएंगी, जहाँ पे 1 BHK आपको 360 स्क्वायर फीट से लेकर 900 स्क्वायर फीट तक मिलेगा और इसका प्राइस आपको 24 लाख से लेकर 56 लाख तक मिलेगा। और 2 BHK आपको 620 स्क्वायर फीट से लेकर 1450 स्क्वायर फीट तक मिल जाएगा, इसका प्राइस आपको 39 लाख से लेकर 91 लाख तक मिल जाएगा। वाइल इफ यू टॉक अबाउट 3 BHK देन दिस प्रॉपर्टी टाइप इज अवेलेबल इन साइज ऑफ 890 and goes up to 2100 square feet. This property type is available in price of 57 lakh and goes up to 1.3 crore. और 4 BHK की बात करें तो ये property type आपको 1600 square feet से लेकर 3250 square feet तक मिल जाएगा, इसका price
1.2 करोड़ से लेकर 2.8 करोड़ तक जाता है। और मोस्ट प्रेफर प्रॉपर्टी टाइप है 2 BHK। यू कैन फाइंड प्रॉपर्टीज ऑन रेंट इज वेल। द मंथली रेंट स्टार्ट फ्रॉम 27,000 एंड गोज अप टू 65,000। Now we will talk about the top 3 projects in Wakad on Magic Bricks, which are Akshar Elementa, Kalpatru Harmony and Kalpatru Splendor. Akshar Elementa is spread in 27 acres and has got 12 towers and 1, 2 and 3 BHKs. Iske andar aapko 900 units mil jayenge, jinke sizes 900 square feet se lekar 1490 square feet tak hain. और प्राइस रेंज की बात करें तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे 59 लाख से शुरू होती है और 1 करोड़ तक जाती है। द प्रोजेक्ट हैज गोल्फ कोर्स, कॉन्फ्रेंस रूम, मल्टीपर्पज कोर्ट, बैंक्वेट हॉल विद जिम्नेजियम एंड स्विमिंग पूल। Kalpatru Harmony इज स्प्रेड इन 8 एकर्स। इट हैज गॉट 6 टावर्स एंड हैज गॉट 2 एंड 3 BHKs। द प्रॉपर्टी हैज 479 यूनिट्स। द साइज स्टार्ट्स फ्रॉम 1145 स्क्वायर फीट एंड गोज अप टू 1700 स्क्वायर फीट। The price of the property in this project starts from 77 lakh and goes up to 1.25 crore. The project has facilities like even space and amphitheater, recreational pool, visitor parking, park with power backup, swimming pool and many more. Kalpatru Splendor is spread in 4.6 acres. Iske andar aapko 9 tower aur 1, 2 aur 3 BHK mil jayega. Is project mein 313 units hain jinka size 720 square feet से शुरू होता है और 1784 square feet तक जाता है। Price range की बात करें तो इस project में आपको property 75 lakh से लेकर 1.15 crore तक मिल जाएगी। This project offer facilities like kids play area, recreational pool, indoor games room, park with power backup and gymnasium. If you are an IT professional and looking for a property in your budget and near your office, then Wakad is one of the localities you can consider. I hope आपको ये review पसंद आया होगा। अगर आपको Wakad के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर लिखिए और follow कीजिए मेरे Twitter handle पर जो कि है @NehaNagpal। आप इस video के नीचे comment section पे भी अपनी queries भेज सकते हैं। और हाँ, इस video को like और share करना ना भूलें। Please Magic Bricks को YouTube पे subscribe करिए और नए videos के लिए bell icon दबाइए।